प्रोडक्शन का म्यूजिक और तब से लेके आज 2019 शुरू हुआ इस सपने को कितनी बार आपने जिया है और कितनी इसमें कई सारे प्रोसेस रहे होंगे कि आपने वो सारी डिफिकल्टीज क्योंकि उस समय आप भी नए नहीं ऑब्वियसली नए नए थे आई हैव बीन मैं बहुत ही देखो आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज माय स्ट्रगल बिकॉज आई हैव नेवर रोमांटिसाइज इट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सूखा रोटी नहीं मिलता था नहीं मिलता था लकीली फिल्म स्टूडियो के बाद इतना एड जिंगल्स करते करते सब उतना रोमांटिसाइज नहीं करना है लेकिन मैं मुझे कुछ नहीं मालूम था मैं आया कई और से और मतलब बहुत क्या प्रोसेस होता है मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर को असिस्ट भी नहीं किया सो मैं स्ट्रेट एडवर्टाइजमेंट एंड आई लर्न ऑन द जॉब एंड अच्छा ऐसा धक्का खा के सिखाओ गलती हुआ है इतने बार बहुत गलती हुआ है करते करते सिखाओ अच्छा ऐसा नहीं होता एज अ नॉन आउटसाइडर मेरा ऐसा तो नहीं है कोई मेरा रिश्तेदार इधर है ऐसा भी नहीं था मैं किसी को जानता ही नहीं था मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से आया मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का बैचमेट और कुछ सीनियर्स मेरा दोस्त थे तो अभी ऐसा प्लेटफॉर्म होना होने में क्या होगा ना ये धक्का खाना कम हो जाएगा धक्का ये जो इतना ये जो आके आप आगे और न्यू कमर्स आके तो कुछ भी अभी भी जो हैबिट का एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम होता है कुछ भी प्रॉब्लम होता है दे कम अप टू मी दे एक्सेस एनी टाइम कि अच्छा ये हो गया क्या करें तो इवन छोटा लाइक ये गाना तेरा बाउंस क्यों हो गया तूने ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ये चार बार ये क्यों रिपीट किया इसको एक दो बार हटा दे इतना सा छोटा एडवाइस कैन सेव अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड सिर्फ मैं नहीं मेरे साथ जो जो प्रोड्यूसर्स काम करते हैं मेरे साथ जो टॉप लाइन म्यूजिशियंस काम करते हैं गिटार प्लेयर सब इधर आके हैंग आउट करता है और उन लोगों से जो ये जो स्टूडियो डिजाइन किया है सनी फिर ध्रुबो डीजे फुकन ऑल ऑफ दिस टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया अभी इधर भरत गोयल घूम रहा था ये सो ऑल ऑफ देम आर हैंगिंग अराउंड हियर सो उन लोग से सीख भी रहे हैं तो इट्स अ इट दैट इज द बेसिक आइडिया One more question. YouTubers पे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनकी पॉइंट फॉलो चाहे वो फिर अभी उनके जैसे गली बॉय के दीवाना और लेजी सो उनके लिए भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म कि दे कैन कम एंड एक्सप्लोर दिस ऑफ कोर्स लाइक चलो अभी तो एक बहुत ही सोशल मीडिया के जरिए अभी तो बहुत एडवांटेज हो गया सबको लाइक यूट्यूब का भी अलग स्टार्स होते हैं और वो लोग अच्छा भी कर रहे हैं तो अभी बहुत सारे स्कोप भी है बट इधर इधर डेफिनेटली एवरीबडी इज़ वेलकम एंड एवरीबडी हुएवर दिस इज़ नॉट अ म्यूजिक स्कूल बाय द वे लाइक आई से दिस इज़ नॉट अ म्यूजिक स्कूल यू कैन ट्रीट दिस लाइक अ यूनिवर्सिटी कि आपने MBBS कर लियो फिर आप इधर MD करने के लिए आए हो दिस इज अ कैंपस रिक्रूटमेंट दिस इज अ कैंपस रिक्रूटमेंट आई मीन टू आंसर योर क्वेश्चन वी आर आल्सो डाइवर्स वी स्कोर्ड अ फिल्म इन तेलुगु वी हैव ऑलरेडी डन टू फिल्म्स इन बंगाली सो टू आंसर योर क्वेश्चन ऑफ स्केल एंड रीच सी म्यूजिक इज समथिंग इफ यू हैव स्टूडियो इंफ्रास्ट्रक्चर यू डोंट नीड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीवेयर राइट यू कैन इजीली इट्स अ ट्रांसपोर्टेबल बिजनेस सो आई थिंक फॉर यू टू फॉर टुडे वी आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड Today we are working in the young, new OTT platform world. We have already started working in regional cinema. Of course, we've done a lot of work in Bollywood. So Shah Rukh Bhai was kind enough to launch it in Zalima, in Rais. Then we scored the title track of Race 3 with Salman Bhai. So I think there's a that kind of work is already happening at scale. But I think we're also looking at diversifying into regional. So the fundamental problem, fundamental definition is if you're a musician in any capacity, you write songs, you produce songs, you're a programmer, you're a singer, you're a music composer, feel free to contact us. If you're a musician in any capacity, Jam is your place. That's it. Thank you.
Hello. Hi, how are you? How are you? Why were you all standing next to the lift? I don't know. Because you're coming up. Welcoming people. Yeah, it's so big that he can do it. 15 minutes I'm searching for you. That is the thing. You have to search for the master also. That's a fine thing. You might find him, you won't find the master. What about that? Absolutely. Hello, congratulations. Now he doesn't need to run away anywhere in the picture. He can just run around here. I want to see show. So, yeah. Ustav, sir. It's video, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Come, sir. Basically, technically, we have, this is the biggest studio, and there are 9 dubbing rooms, so everything is interconnected. Yeah. So we can record as big a orchestra. Orchestra. 360 channels, basically, can be recorded. Sorry, I was listening there. So, and this has the Atmos music with synthesizer. And this is supposed to be an incubation center, like an A&R, artist and repertoire management and incubation center. So, for new music directors, lyricists and all, for that we have 21 production rooms. So, like the common, we have background music, common background music room, so that the producers can sit there and somebody can guide all the producers. Like, mastering room, we have separate mastering room also. Both in Rakhana. And also we have an analog synth room, which is like, it's the analog. So like this, we have 21. So you do final mastering. Final mastering is upstairs. The mastering place is upstairs. So all the newcomers can come here. They can come with them. You don't have money. You don't have contacts. Come here. That's good. Very good. See, that is what is very good. They have got a melody and art and come in. Also, this will be a fun place to have a complete music bank. We'll create like a music bank, like a publishing house. Yeah. So we're creating it, so you can act. So you can source music from In 1-2 years, you can just come in and listen and say, okay, I like this song. That's great. Yeah. That's absolutely. It's very required of music. Yeah. Basically, songwriting. The cafe will turn out a little bit scary. Come as you are. This is Nirvana song. That we'll block a little space there in that corner. So we can have like every Friday, like all the jammed artists can do their performance. It's like a fun club. No, it's like a piano. Piano line. It's massive. I didn't realize it was this massive. Do we have bunk beds also? Those who want to see that is you only. Jo to rehna idhar bed mein sab se chhota rehna hai. Chance ko finding you here. Nahi main idhar sorry nahi hai. Iska change kar raha hai. Sir. Let's go. Sir, this is Karan. Karan, please. Mrs. Flight. Mrs. Flight. Yes. Oh, God. One more. Hold, sir. Hold on. Mukesh ji. Yeah. Sir. Ramesh ji. Come, Vijay. Come. Come fast. Come in. Thank you. Bite kar de. Sir, bite kar. Thank you. Sir,
एक नया स्टूडियो क्योंकि एडमिटम सर की तरफ से क्या कहना चाहिए कितना मोटिवेट करेगा रॉ जो टैलेंट होता है उन लोगों को. आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये क्रिएट कर रहे हैं प्रीतम. तो इससे क्या होगा कि वो जो नया टैलेंट है उनको एक ब्रेक मिलेगा. प्रीतम के एक यू नो ही बी एबल टू नर्चर अ लॉट ऑफ न्यू टैलेंट. क्योंकि अकेले आई थिंक एक आदमी की एक लिमिटेशन होती है कितना काम करें. लेकिन अगर नया नया टैलेंट उनके पास होगा तो यू मल्टीप्लाई ओवर. और एक प्रीतम के सुपरविजन में आई थिंक वो भी यू नो नर्चर होंगे फ्लावर करेंगे तो नया टैलेंट इंडस्ट्री को मिलेगा. ओके सो इंडिया में ये फर्स्ट एशिया में फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि प्रीतम जो है वो फर्स्ट टाइम ऐसे स्टूडियो को ओपन कर रहे हैं जो मोर टैलेंट को. आई थिंक प्रीतम कर रहे हैं ये काफ़ी नेचुरल है क्योंकि प्रीतम इतने सीनियर और इतने रिकग्नाइज टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री के कि अगर कोई कर सकता है तो वो प्रीतम ही कर सकते हैं. और इसलिए आई एम रियली ग्लैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया उन्होंने. अभी मैंने देखा नहीं है पूरा फैसिलिटी लेकिन सुना है बता रहे थे मुझे प्रीतम क्या क्या इसमें है तो इट्स वेरी एक्साइटिंग. Can we describe the process of working with someone like a Pritam over all these years because you've had several chartbuster combination with him. Pritam is a he's a unique talent because he's somebody who can surprise you a lot provided you pin him down and make him sit with you. He is somebody who is all over the place and you have to really catch him and pin him down and make him sort of sit and work together with him. And but once he's in the flow, that's when the magic starts happening. And I really enjoy it. That's why I have such a long association with Pritam. There's something very you know nice and warm about him as a person. And I enjoy our late night sessions when we work on the music. यार अब हर प्लेटफॉर्म पे हर चीज के बारे में मत पूछो यार. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट प्रीतम राइट नाउ. जस्ट कंप्लीटली फोकस ही हट जाता है. कभी since we are at a music event, how much importance will the music have in 83 that you're working on? What do we see in that film? Music is important, I think, for every Hindi film. 83 may be obviously bahut hi important rahega. Ek sports film hai, toh ek motivational music toh rahegi. And Pritam kar rahe hai uski music. ऑब्वियसली एक बहुत मोटिवेटिंग एंथम रहेगी. एंड लाइक एवरी अदर फिल्म जो एक अलग अलग मूड के गाने होते हैं वो ज़रूर होंगे. लिपसिंग गाने नहीं होंगे बिकॉज आई डोंट थिंक ऑडियंसेज विल एक्सेप्ट कपिल देव सिंगिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन. लेकिन नीडल्स से काफ़ी अच्छा एक एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर और गानों का एक पूरा एल्बम रहेगा. कबीर अभी लास्ट टाइम जब रणवीर मिले थे तो उन्होंने बताया था कि प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं. तो क्या ट्रेनिंग शुरू हो गई है, कैसे चल रही है ट्रेनिंग रणवीर की? ज़बरदस्त. मेरी आंखों में नींद देख रहे होंगे आप. रोज़ 6 बजे उठना पड़ता है और जाते हैं. आई एंजॉय इट अ लॉट. पूरी टीम ट्रेन कर रही है और बलविंदर सिंह संधू हमारे कोच हैं. अलग अलग क्रिकेट एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और कपिल देव सर भी आएंगे, मदनलाल भी आएंगे, यशपाल जी भी आएंगे. अलग अलग सारे जितने भी 83 के क्रिकेटर्स हैं वो सब आएंगे. बहुत मज़ा आ रहा है. बूट कैंप की तरह है. 3 घंटे सब ट्रेन करते हैं. फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, स्किल्स की ट्रेनिंग हो रही है. सबका अलग अलग स्टाइल्स बनाए जा रहे हैं. When do you officially begin shooting for the film? सो जो एक मेजर हमारा शेड्यूल 4 महीने का रहेगा इंग्लैंड में वो मई जून जुलाई अगस्त है. उससे पहले इक्का दुक्का थोड़ी बहुत शूटिंग यहाँ इंडिया में करेंगे. कबीर रणवीर के अलावा और कौन कौन फाइनलाइज? अभी वो अनाउंस करेंगे. ऑब्वियसली पूरी टीम होगी. टीम के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. मैनेजर का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ वाइफ्स के कैरेक्टर्स हैं तो वो एक पूरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी उसकी. थैंक यू सो मच. But you skipped it. Hey.
twisted over there. When did you do this? हर कमरे में एक नई संगीत है, एक नया राग है, एक नया साज है. तो आई थिंक ये सिर्फ प्रीतम की टैलेंट की वजह से है, उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से है. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब प्रीतम अब हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने म्यूज़िक कंपोजर ही नहीं, म्यूजिकल फोर्स बन चुके हैं. आई वुड थिंक ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग फोर्स एंड आई एम सो ग्लैड कि ऑल ऑफ अस हैव हैड द प्लेजर एंड प्रिविलेज टू कोलैबोरेट विद हिम. और मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि इफ़ यू रियली वॉन्ट अ वन स्टॉप शॉप फॉर म्यूज़िक देन जैम इज़ योर स्पेस. थैंक यू. बाय बाय. ओके सर, प्रीतम जी जो है वो जैमी एक नए इंक्यूबेशन न्यू स्टूडियो के साथ में आए हैं. काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है कि द बेस्ट वे टू वर्क, द बेस्ट वे टू लर्न हाउ टू वर्क इन आर इंडस्ट्री, वेदर इट बी म्यूजिक और फिल्म मेकिंग, इज टू एक्चुअली वर्क. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट जैमिट. It is a professional institute which will supply professional work outside for money. Therefore, जिनको प्रीतम यहाँ पर ला रहा है, जिनको incubate करेगा, वो musicians जो हैं वो already musicians हैं, वो already talented हैं, but उनको थोड़ा सा एक अच्छा supervision अगर मिल जाता है ना, तो they can do, they can excel. And also what can happen is that प्रीतम has been working for so long and he's been doing devastatingly popular, interesting and innovative work all at the same time. So maybe he can give something at an early stage to these wonderful musicians that will be hired here. Aside of all of that, the kind of equipment that he has is perhaps the best in the country at every stage. So not only is there creative or so to speak musical talent getting trained, but also the technical talent that will, like engineers etc., programmers, ये लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं एक म्यूज़िक के कॉम्पोज बनने में, वो सब सब भी यहाँ पे ट्रेन भी हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. तो आई बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आइडिया है. नो नो नो, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. यू हैव टू सी, द थिंग इज दैट दिस इज समथिंग like if I give Pritam ke sath kya hota hai, if he gives you a song composition you might like it, but if he feels that he can, he's not completely satisfied with it, he will keep barking, he will keep coming back at you and saying please I'll, let me give you another song. There's a certain purity, and purity is an element which is always difficult to deal with whenever there's an organized structure. So that's the difficulty, and that is the best thing about working with Pritam. Like all people who complain about Pritam or Rahman sir, still work with them, right? Yeah. Yeah. Imtiaz, aapki film humne suna hai ki aa rahi Kartik aur Sara, kitna bhi film bana rahe, uske bare mein agar kuch bataye. Abhi bata nahi sakte sir, wo abhi humne waise announce kuch kiya nahi hai, aur hum bhi abhi like drawing board mein work out karne ki koshish kar rahe hain. Abhi kuch baat nahi, Sara confirm. ऐसा तो आपको क्यों बोलूंगा सर, क्योंकि किसी और को नहीं बोल रहा. तो नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, मतलब वी आर वर्किंग टूवर्ड्स अ फिल्म, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते. या इट्स बीन अ वाइल मैन. जी हाँ जी हाँ, वो जरूर बनाऊंगा राधा कृष्ण, बट आई वॉन्ट टू मेक इट इन अ वे दैट इट विल बी, मेरे दिमाग में वो बहुत बड़ी फिल्म है, तो उसमें बहुत वक्त लगेगा उसको उसको प्रॉपरली बनाने में. और ऑल्सो द काइंड ऑफ फिल्म इट इज़, आई वॉन्ट अगेन दैट द प्योरिटी ऑफ द फिल्म शुड ओनली
like it's a big film, but the purity also should come through. It's a will take time to go on and actually make Radha Krishna. And the one that you're going on floors with, has the story stayed with you for a long while? Like, have you been working on it since a very long time? I have been it's a story. As a story idea, it has been there with me for a very, very long time. We've been discussing it. In fact, I find that there are reflections in interviews that I've said things like that. Like, I've always been saying that and feeling that, perhaps not even as a story. And then one day I realized there is a story. But I've written it recently. Imtiaz, Shahid ne bataya tha kuch mahine pehle mujhe ki aap jo unke sath film banane wale the, abhi wo hold pe hai kyunki bahut edgy film hai. सर आप शाहिद से ही पूछ लें. हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं. बहुत सारी एक्चुअली इस बार क्या हुआ कि बहुत सारी कहानियाँ लिख दी मैंने जो मैं लिखना चाह रहा था. देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय माइंड एंड आई वाजंट रियली सिंस आई स्टार्टेड अ कंपनी आई थॉट आई मस्ट राइट देम डाउन एंड रियलाइज व्हाट इज द मटीरियल दैट आई हैव, व्हाट इज गुड, व्हाट्स नॉट सो गुड. बिकॉज समटाइम्स यू नो इन अ वर्ल्ड देयर इज सो मच स्पोकन that you don't realize what actually you have with you and what is it that you would like to passionately do. I realized that there were quite a few. Sari kahaniya likhi and worked, spent that time doing that. Usme se bahut sari hain. Ab wo jab jaise banegi, jis shape mein hogi, tab banegi sir. I'm making one. Radha Krishna is one of them. Thank you so much. Thank you.